स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसमें अलग अलग तरह के रिप्रेजेंटेटर होते हैं, तो उन रिप्रेजेंटेटर का मेन वर्क क्या होता है, इनका नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या रहता है, और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो रहते हैं वो डेमोक्रेटिक नेशन में रहती है, तो उस डेमोक्रेटिक नेशन में और कौन कौन से पोस्ट होते हैं, इस सारा चीज आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग वे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी का। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखिए ये हर क्लास में आपको नियर अबाउट पढ़ना है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट, ये सिविक्स का वो पार्ट है जो आपको कभी भी इसको छोड़ नहीं सकते हैं, बिना इसके आप इमेजिन भी नहीं कर सकते पॉलिटिकल साइंस के या सिविक्स के। पर पार्लियामेंट होता क्या है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है पार्लियामेंट, इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। देखिए पार्लियामेंट, पार्ले जो होता है इसका मतलब होता है स्पीच, और मेंट मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि स्पीच और रिजल्ट। पार्लियामेंट वो प्लेस होता है जहां पे आपके रिप्रेजेंटेटर जो है वो डिस्कशन करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, और उसी डिस्कशन वाले जो पॉइंट होते हैं, जो प्लेस होता है, उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, हिंदी में इसको संसद भवन बोला जाता है, और इसके रिप्रेजेंटेटर होते हैं। पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट को, किसी स्टेट में पार्लियामेंट नहीं होता है। कहां पर होता है, तो कंट्री के कैपिटल में होता है, जैसे हमारे यहां न्यू दिल्ली में। कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव राइट टू द पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, इसमें इंडिया के कंस्टिट्यूशन में क्या होता है, लोगों के पास राइट्स होता है, अधिकार होता है। किस चीज का अधिकार होता है, लोगों के पास राइट्स होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, जैसे वो अपने रिप्रेजेंटेटर को चूज कर सकते हैं, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, या पार्लियामेंट में हम बात करते हैं तो किस में, लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटर होते हैं, लोअर हाउस के जो रिप्रेजेंटेटर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनके सिलेक्शंस में कि कौन यहां से मेरी कंस्टिट्यूएंसी से जीतेगा, किस कौन चूज करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चूज करते हैं। तो कह सकते हैं क्या हम दूसरे वर्ड में कि पार्लियामेंट या पार्लियामेंट का जो फॉर्मेशन होता है किस चीज पे बेस्ड रहता है, तो पीपल के पार्टिसिपेशन पे बेस्ड रहता है, और इसकी एक आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, और वो आइडियोलॉजी क्या है, वो आइडियोलॉजी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिस बेस पे अपने रिप्रेजेंटेटर को चूज किया जाता है। अब यहां देख लीजिए रिप्रेजेंटेटिव की अगर बात करेंगे, एक किस चीज पे बेस्ड रहता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और एक काफी रनिंग क्वेश्चन है, पॉइंट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसको बोलते हैं, अ पर्सन हु आर अबव 18 इयर्स हैव राइट टू वोट, ऐसा आदमी जो 18 साल से ज्यादा का होता है उसके पास वोटिंग राइट होता है, और इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। प्रीफर इक्वालिटी, अब यहां देख लो आप डेमोक्रेसी में या पार्लियामेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, या किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है इक्वालिटी। ये मोनार्की डिक्टेटरशिप से इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें पीपल के पास राइट्स रहते हैं, लोगों के पास अधिकार रहते हैं, और जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है या जो लोगों के राइट्स की बात करेंगे तो इक्वालिटी पे बेस्ड रहेगी। कोई डाउट? अब रिप्रेजेंटेटिव की बात करेंगे तो पहले भी हम लोग इसको डिस्कस किया, रिप्रेजेंटेटिव में दोनों एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहां के रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोअर हाउस एंड अपर हाउस, लोअर हाउस मतलब लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव और अपर हाउस मतलब राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव। एक चीज और यहां पर हम लोग जान लेंगे कि लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव के जो चूज करने वाला प्रोसेस होता है उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। पूरे कंट्री में जो जनरल इलेक्शन होता है वो लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए होता है, ठीक है, जबकि एमपी अगर हम राज्यसभा यानी कि अपर हाउस के एमपी की बात करेंगे, अगर अपर हाउस के एमपी की बात करेंगे तो अपर हाउस के एमपी को चूज करने के लिए क्या होता है, अपर हाउस के एमपी को स्टेट के जो एमएलए होते हैं वो चूज करते हैं, जैसे इंडिया में 28 स्टेट है तो 28 स्टेट के एमएलए चूज करेंगे अपर हाउस के एमपी को। कोई डाउट दिक्कत रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एमएलए क्या होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यूनिकैमरल, यानी कि जिस स्टेट में बस एक ही तरह की लेजिस्लेचर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिकैमरल बोलते हैं, जबकि बाइकैमरल का मतलब जिस स्टेट में एमएलए प्लस एमएलसी दोनों की सीट्स रहती है तब हम उसको बाइकैमरल बोलते हैं, और इंडिया में कितने स्टेट है, 6 स्टेट्स है जो बाइकैमरल है, एग्जाम्पल में बिहार, कर्नाटका, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये कुछ स्टेट है जो बाइकैमरल है, ठीक है।
अब पार्लियामेंट का जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है, पार्लियामेंट कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं। किस चीज को कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं? गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट का मेन फंक्शन होता है गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, उनको गाइड करना। अब यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इंडिया जैसे कंट्री में दो चीजें होती है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि एज अ पेपर बात करेंगे तो हु इज द हेड ऑफ कंट्री, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ कंट्री एज अ पेपर, बट प्रैक्टिस पावर इन सब की बात करेंगे यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, जबकि प्रेसिडेंट जो होते हैं नॉमिनल, यानी कि उनको एक तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि हाँ ये प्रेसिडेंट इंडिया का फर्स्ट सिटीजन है, बट जो रियल हेड होते हैं वो कौन होते हैं? रियल हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, तो प्रेसिडेंट हो गए और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो गए। देखिए प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया आ रहा है माइंड में कि टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंट अभी तक इंडिया में कितने हुए? 15। कितने? 15। और अभी ये 15th प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 टाइम्स प्रेसिडेंट रहे थे और इकलौते वो प्रेसिडेंट थे जो 2 टाइम्स रहे थे। इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वन ही टाइम है मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या सारे प्रेसिडेंट, बस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ करके। अब प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होता है, तो अभी काफी चर्चा में पॉइंट रहा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए दोनों हाउस के एमपी साथ ही साथ एमएलए, एमएलसी नहीं, एमएलए प्लस दोनों हाउस के एमपी तीनों मिल करके प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। हर वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि किस स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग एमएलए और एमपी की वोट्स वैल्यू होती है और उससे हम प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। अभी एक बड़ा ही करंट अफेयर में बेस्ट फेमस क्वेश्चन है, आप कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट में कौन पार्टिसिपेट किया था प्रेसिडेंट इलेक्शन में। अब क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट देखें, 35 ईयर्स से ज्यादा एज होनी चाहिए, एजुकेशन के मामले में कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है। दूसरा क्या है, अगर आप प्रेसिडेंट बन रहे हो तो किसी गवर्नमेंट और भी किसी गवर्नमेंट पद पे आप नहीं रह सकते हो, इंडिया का सिटीजन आपका होना मस्ट रिक्वायर्ड है। कोई बड़ा सीरियस क्रिमिनल चार्जेस आपके पास नहीं होना चाहिए जिसमें आप एक्यूज हो सकते हो, बट हाँ प्रूफ नहीं होना चाहिए। आप एज अ क्रिमिनल, एज अ मतलब प्रिजनर, आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर भी बना कि फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब लेजिस्लेटिव पावर इसके पास होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होता है, मिलिट्री पावर होता है। कहा जाता है कि तीनों जो इंडिया में जो तीनों आपकी आर्मी है, ठीक है, लैंड वाटर और जो एयर वाली, उन तीनों का हेड होता है। डिप्लोमेटिक पावर होता है इसके पास, इसके साथ साथ जुडिशियल पावर होता है यानी कि किसी भी पर्सन के, और मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से उसको किसी भी पर्सन को फांसी दे दी गई है तो फांसी की सजा को एक उम्र कैद में चेंज कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कुछ जुडिशियल पावर भी इसके पास होता है, इनके पास होता है प्रेसिडेंट के पास। इमरजेंसी पावर होता है यानी कि कोई स्टेट में अगर लेजिस्लेचर प्रूफ नहीं हो पा रहा है, किसी पार्टिकुलर पार्टीज को मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है, तो उस सेंस में उस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स में एक क्या होते हैं कि अलग इसमें स्प्लिट हो जाता है जिसमें वो रिजेक्ट कर सकता है पार्लियामेंट के बिल, ये सारे चीज को। अब हम यहां पर जो पॉइंट नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ जैसे यहाँ पे 15 पे प्राइम मिनिस्टर है तो अभी तक कितने प्राइम मिनिस्टर हुए? 15 प्रेसिडेंट थे, वैसे अभी तक प्राइम मिनिस्टर कितने हुए? प्राइम मिनिस्टर टोटल 14 हुए हैं, 14 प्राइम मिनिस्टर हुए, ठीक है। और आर्टिकल 74 जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पावर को डिस्क्राइब करता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा का हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है कैबिनेट का हेड होता है, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रूलिंग पार्टी का हेड होता है, यानी कि रियल पावर जो इंजॉय करता है, एक्सरसाइज करता है, वो आपका प्राइम मिनिस्टर है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं किसको? प्राइम मिनिस्टर को। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो लिंक बिटवीन कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट, एक बात और माइंड में लॉक कर लीजिएगा इस चीज को कि प्राइम मिनिस्टर के पावर में या उसके फंक्शंस में ये चीज है कि कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक का काम करता। इसके बाद आपको पॉइंट है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व लोकसभा,
प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे डिसॉल्व कर सकता है, कभी भी भंग कर सकता है। किस चीज को भंग कर सकता है? लोकसभा को। नो मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड विदाउट कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बिना जाने या बिना उसके सजेशन का किसी मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर जिन जिन पर्सन को, जो जो जीते हुए एमपी रहते हैं, चाहे दोनों हाउस के, अपर हाउस के या लोअर हाउस के, उन्हीं को अपॉइंट किया जा सकता है। प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेंगे कि हाँ हम इनको एमए एक मिनिस्टर बनाना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट का, तो प्रेसिडेंट उन्हीं को करेगा। प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं कर सकते हैं किसी को भी अपॉइंट एज ए कैबिनेट मिनिस्टर या किसी भी तरह का मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोकसभा। पहले डिस्कस कर चुके हम लोग कि प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर होते हैं। कहां के लीडर होते हैं? लोकसभा के लीडर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स इंडिया ऑन ऑल द रिप्रेजेंट इंडिया ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम्स। रिप्रेजेंट करते हैं, कहां पे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है। रिप्रेजेंट इंडिया ऑन ऑल द, मतलब अलग अलग जो आपके पॉइंट्स होते हैं वहां पे वो रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज को? इंडिया को। इस तरह से जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका पार्ट वन हम लोग कवर कर लिए। पार्ट टू में जो भी रिमेनिंग पॉइंट रहेगा या इसके अलावा आपका कुछ अगर डाउट रहेगा तो उसको भी हम लोग पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। और आपको अभी आज ही का हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं कि हम लोग जो में हम लोग का ऐप है उसको और भी ज्यादा एडवांस कर रहे हैं, और आज या कल में वो ऐप भी न्यू फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। तो बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अगर अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, और अगर ऑफलाइन आप नहीं मिल पा रहे हैं मेरे से तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑनलाइन मोड में आप डिस्कशन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ ये तो SST का हो गया, SST की सारी तरह की डाउट, किसी भी तरह का किसी भी लेवल का डाउट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेवल लेस होकर के यहाँ पर डिस्कस करेंगे डाउट को, और साइंस या उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए इग्नाइट वर्ड चैनल हम लोग का है, उस पर हम लोग वीडियो बनाते हैं, PDF प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने एकेडमिक एजुकेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। और भी अगर डिफरेंट टॉपिक पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस पर भी रिसर्च करके आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।